बापा जान की बारगाह में मेरा सवाल अर्ज है कि वुजू के पानी के छींटे अगर कपड़ों पर आ जाएं तो उनके लिए क्या हुक्म है? वुजू के कतरों से वुजू करते हुए वुजू का पानी चूंकि मुस्तमल गुनाह लेकर निकल रहा है तो ये कपड़ों को बचाना चाहिए। अगर कपड़ों पर गिर गया तो इससे कपड़े नापाक नहीं होते, बचाना अच्छा है। अलबत्ता ये जहन में रहा कि मस्जिद के फर्श पर वुजू के पानी के कतरे गिराना ये मकरूह तहरीमी यानी नाजायज़ गुनाह है। बाद लोग इसमें एहतियात नहीं करते, वुजू करके फौरन मस्जिद में पहुंच जाते हैं, कतरे इनके गिर रहे होते हैं। दाढ़ी वालों को तो ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी कि अगर वुजू करके नमाज के लिए मस्जिद में पहुँचे फौरन, भले मुँह पहुँच लिया लेकिन दाढ़ी से पानी के खतरे फिर सजदे में और गिरते हुए आपको नज़र आते होंगे। मस्जिद के फर्श पर गिराना जायज़ नहीं है। तो इसके दाढ़ी वालों को तो खूब, बल्कि मस्जिद तक पहुँचते पहुँचते रास्ते में भी वजू खाने से निकले ना कि वजू करते रहें ताकि थोड़ा बहुत भी पानी आ जाएगा, वरना अभी नज़र नहीं आता और बाद में लुढ़क कर आ जाता है, ऊपर से लुढ़क कर आता है। तो हर जगह से पहुँचते हुए आ पाए। वुजू के पानी का कतरा फर्श मस्जिद पर गिराना ये गुनाह है।